भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सिंध पाकिस्तान के उमरकोट में सेशन कोर्ट के बाहर एक हिंदू महिला को अगवा कर लिया गया। इस ट्वीट के आधार पर रिपब्लिक वर्ल्ड समेत कुछ मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट्स चलाई। रिपब्लिक चैनल को मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना के बारे में बताया कि महिला का धर्म बदल कर इस्लाम कर दिया गया और उसके पति का नाम भाई खान है। Now she is converted to Islam and our name is Bhai. This man's name is Bhai Khan and now she is converted. भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या वाकई में मंजिंदर सिंह सिरसा का दावा सही है? पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य लाल मल्ही ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया था। ट्वीट के मुताबिक ये घटना उन्हीं के गाँव की है और ये एक पारिवारिक विवाद का मामला था। महिला को घसीट रहे लोग उसके रिश्तेदार ही थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन ने रिपोर्ट किया कि तेजन भील नामक महिला घरेलू हिंसा की वजह से अपने पति हरचंद भील से तलाक लेना चाहती थी, इसलिए उसने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन कोर्ट की हियरिंग के बाद महिला के पति सहित 8 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने हेमो भील नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना की पुष्टि करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सिंध पाकिस्तान उमरकोट डेली डॉन के संवाददाता एवी अरिसर से बात की। उन्होंने बताया कि महिला और आरोपी दोनों भील समुदाय के हैं, यानी भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान में घरेलू हिंसा के एक मामले को गलत सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया। कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश किए बिना झूठे दावे के साथ रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने एक हिंदू महिला को दिन दहाड़े अगवा कर लिया।